इन सभी के बीच अंतर क्या है सम वन सम थिंग समबी एनी वन एनी थिंग एनी बडी नो वन नथिंग नो बडी इन सभी का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंसेस में किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे समवन का मतलब है कोई और इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से किया जाता है इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है तुम किसी का इंतजार कर रहे हो तो सेंटेंस बनेगा यू आर वेटिंग फॉर समवन समवन का मतलब है कोई या किसी को सेंटेंस में जिस प्रकार से प्रयोग होता है उस तरीके से इसका कुछ मीनिंग आता है कोई रोहित से मिलने आ रहा है समवन इज कमिंग टू मीट रोहित यहाँ पर जो समूहन है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है यहाँ पर जो समुन है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मतलब कि समुन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से किया जाता है मैं किसी के पास जा रहा हूं आई एम गोइंग टू समुन और ये समूहन जो है एक प्रोनाउन है आप प्रोनाउन है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से काम कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है कोई दरवाजे पर खड़ा है समुन इज स्टैंडिंग एट द डोर तो यहाँ पर सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं समुवन का मतलब कोई और समुन का प्रयोग होता है फॉर्मल रूप से अब फॉर्मल रूप से क्या होता है फॉर्मल रूप वो होता है जिसका प्रयोग आप ऑफिशियली करते हैं कोई रिस्पेक्टिव पीपल के साथ करते हैं मतलब आप अपने से सीनियर लोगों के साथ बात करते हैं वहां पर आप का प्रयोग कर सकते हैं एनी वन और एनी वन का मतलब है कोई अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं इसका प्रयोग करते हैं जैसे एनी से बने प्रेनाउन एनी वन हो एनी बड़ी हो एनी थिंग हो इन सभी का प्रयोग नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो दोनों सेंटेंस में किया जाता है वो सेंटेंस जिसमें नोट लगा हो उसमें भी और जो सेंटेंस में आपका से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं क्या तुम यहां किसी को जानते हो तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है तो सेंटेंस बोलते हैं डू यू नो एनी वन हियर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव इसलिए है क्योंकि इस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई आज आने वाला है। दरवाजे पर कोई नहीं है एनी वन इज नॉट एट द डोर कोई उससे बात नहीं करता है एनी वन डजेंट टॉक टू हिम तो एनी वन का मतलब है कोई और इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो दोनों को प्रयोग कर सकते हैं नो वन नो वन का मतलब है कोई नहीं ये नो no वन जो शब्द है ये खुद नेगेटिव वर्ड है इसके साथ आप कभी भी नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नो no वन का मतलब ही है कोई नहीं किसी ने काम पूरा नहीं किया नो वन कंप्लीटेड द वर्क अभी नो वन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कोई नहीं काम कर रहा है तो नो वन इज वर्किंग नो वन इज वर्किंग कोई नहीं काम कर रहा है कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है नो वन स्पीक्स इंग्लिश नो वन के बीच आप स्पेस रखेंगे कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे वहां कोई नहीं गया तो सेंटेंस बनाएंगे नो वन वेंट देयर नो वन वेंट देयर कोई वहां नहीं गया अगला शब्द है somebody और इसका भी मतलब है कोई सम के साथ लगा हुआ बड़ी वर्ड है Somebody का प्रयोग आप करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो वहां पर इसके लिए सेंटेंस यहां पर है उसने किसी को गाली दिया तो ही अब यूज समबड़ी इस तरीके से बोलेंगे किसी ने अमन को बुलाया है Somebody has called Aman. कोई किताब पढ़ रहा था कोई किताब पढ़ रहा था तो बोलेंगे Somebody was reading a book. Somebody का प्रयोग तब करते हैं जब आप इनफॉर्मल रूप से बात करते हैं मीन्स आप बात कर सकते हैं किसी भी रिलेटिव के साथ फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर के साथ वो होता है इनफॉर्मल वे जिसमें कि आप somebody का प्रयोग कर सकते हैं किसी ने यह काम पूरा कर दिया है समबडी हैज completed दिस वर्क ऐसे ही आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं अगला शब्द है समथिंग और इसका मतलब है कुछ जैसे आकाश कुछ खाना चाहता है तो सेंटेंस आप बोलेंगे आकाश टू ईट समथिंग ये समथिंग का प्रयोग तब करते हैं जब किसी आप वस्तु की बात करते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे प्रिया पढ़कर कुछ बनेगी तो प्रिया विल बिकम समथिंग प्रिया कुछ बनेगी आफ्टरिंग पढ़कर या पढ़ने के बाद वो कुछ खरीदना चाहता है ही वॉन्ट्स टू बाय समथिंग मैं कुछ सोच रहा हूँ आई एम थिंकिंग समथिंग तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं समथिंग से अगला शब्द है नोबडी मीन्स कोई नहीं जिसे कोई नहीं खेल रहा है नोबडी इज प्लेइंग आज किसी ने नहीं नहाया है नोबडी हैज टेकन अ बाथ टुडे कोई परीक्षा पास नहीं किया नोबडी पासड द एग्जाम्स कोई यहाँ मूवी नहीं देखता है नोबडी वॉचेस मूवी हियर ये जो प्रोनाउन है ये सभी प्रोनाउन सिंगुलर होता है इस वजह से जब भी सेंटेंस में पंज, इन अपने टेंस प्रयोग होगा वहां पर वी फाइव प्रयोग होगा जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसे आप यहां पर देख सकते हैं वॉचेस सिंगुलर है तो वॉचेस हो गया पर देखिए हैज लग गया है पर इज लग गया है क्योंकि तो ये सिंगुलर है नथिंग मींस कुछ नहीं इसे कुछ भी मेरा नहीं है नथिंग इज माइन मैंने कुछ नहीं देखा आई नथिंग यहाँ कुछ नहीं है देर इज नथिंग हियर कुछ असंभव नहीं है देर इज नथिंग बोल सकते हैं आप नथिंग इज इम्पोसिबल इससे आप बोल सकते हैं अगला शब्द है शब्दी मीन्स कोई जिससे आप बोलते हैं एनी से बने जितने भी प्रोनाउन है उसका प्रयोग आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं इसे आप नोट डाउन कर इसे नोट्स बना इसे ताकि लंबे समय तक याद कर सके बिकॉज नो you know, एवरी वन फॉरगेट्स समथिंग क्या उसे कोई पेट रहा है इज एनी कोई घर नहीं जा रहा है एनी बडी इज नॉट गोइंग टू हाउस यहां कोई हिंदी नहीं बोलेगा नो बडी विल स्पीक हिंदी हियर किसी ने अभी तक काम नहीं किया है एनी बडी हैज नॉट वर्कड येट ऐसे ही सेंटेंसेस बनते हैं एनी बडी से इन फॉर्मल वे से एनीथिंग मतलब है कुछ जैसे बोलते हैं कि आकाश वहां कुछ नहीं खाएगा आकाश विल नॉट ईट एनी थिंग वो कुछ नहीं खरीदना चाहती है she doesn't want बाय buy anything. सेंटेंस नेगेटिव है नेगेटिव है मुझे कुछ नहीं खरीदना है आई हैनी हम लोग कुछ नहीं खेलेंगे वी विल नॉट प्ले anything. एवरी वन means सब कोई जिसे सब कोई मुझे जानता है एवरी वन नोज में इसका प्रयोग तब करते हैं जब फॉर्मल वे से बात करते हैं ऑफिशियली करते हैं सब कोई रो रहा है एवरी वन इज weeping और ये सिंगुलर भी होता है इसलिए आप इज बढ़िया से आप लगा सकते हैं वी फाइव लगा सकते हैं जैसा भी टेंस आएगा सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है एवरी वन टू स्पीक इंग्लिश वो सबको हंसाता है ही मेक्स लाफ पर बडी नहीं होगा बल्कि यहां पर एवरी वन होगा अगला शब्द है एवरी थिंग मतलब है सब कुछ मैं सब कुछ जानता हूं आई नो एवरी थिंग तुम सब कुछ कर सकते हो यू कैन डू everything वे लोग सब कुछ पढ़ लिया है they have read everything हम लोग सब कुछ खरीद लिए हैं we have bought everything कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं एवरीथिंग से अगला है एवरीबॉडी मींस सब कोई इनफॉर्मल वे से प्रयोग करते हैं सब कोई हंस रहा है एवरीबॉडी इज लाफिंग सब कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है एवरी बडी इज क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन सब कोई यहाँ आ रहा है एवरी बडी इज कमिंग हेयर सब कोई यहाँ रो रहा है एवरी बडी इज वीपिंग हेयर तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं इन फॉर्मल रूप से सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग डैट सॉल्व फॉर टूडे